जय हिंद। अखिल खाटिक शो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो बनाने का मकसद है, कोल्हापुर से एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो में बताया जा रहा है दो लड़कों को जो घर घर जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं। वहां के लोगों ने उसे पकड़ा और उसको पकड़कर जनता के सामने एक वीडियो बनाया, वायरल किया कि किस तरीके से ये लोग अपना लापरवाही कर रहे हैं, किस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं। घर घर जाकर इन्हें किसने ने अथॉरिटी दी इनको घर पर किसी के भी जाकर डॉक्यूमेंट चेक करने की। महाराष्ट्र सरकार, ये वाकया कोल्हापुर से है, तो महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसी कौन सी कंपनी के कार्ड ये बता रहे हैं, ऐसी कौन सी कंपनी ने इनको अलाउ की है कि घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स देखे। हम महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि इस पर सख्ती से कार्रवाई हो। क्या आपने कोई ऐसी कंपनी के नाम पर, प्राइवेट कंपनी को इस तरीके का डॉक्यूमेंट चेक करने का बताया है या बोला गया है? अगर ये सरकार की तरफ से हुआ है तो उसका इंफॉर्मेशन लोगों तक का दे। हम उद्धव ठाकरे जी से ये गुजारिश और अपील करेंगे, अगर आपकी सरकार से ये जुड़े हुए नहीं हैं कोई कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी कौन सी है, इसकी जांच करें और इसको जनता के सामने लाएं ताकि इस पर सख्ती से कदम उठाया जा सके। हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि एक भाषण देने पर देशद्रोही का केस जब दाखिल हो सकता है तो किसी के घर पर एक अनजान आदमी, कोई भी अनजान आदमी जाएगा आइडेंटिटी लेकर उनको डॉक्यूमेंट बताने कहेगा तो उसको क्या कहा जाए? अगर इस काम को महाराष्ट्र सरकार ने अलाउ नहीं किया है, इस कंपनी का अलाउ नहीं किया है, तो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को देखते हुए इन लोगों पर और इनकी कंपनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ये कार्रवाई के बाद आप मीडिया के सामने आकर भी इनका बताएं कि आपने इन पर क्या कार्रवाई की और क्या करवाई गई है। ये जनता को पूछने का और जानने का हक है। हम महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी से ये गुजारिश करेंगे कि इस बात पर आप सख्ती से ध्यान दें और इसको, अगर आप कोई कंपनी को ऐसा कोई काम देते हैं तो आप उसके लिए भी न्यूज़ में लोगों तक का, जनता तक का, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक इस बातों को पहुंचाएं कि हमने ऐसी ऐसी कंपनी का नाम दिया है या आपके घर आएंगे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो जनता बताने के लिए करें। मगर ऐसी कोई कंपनी है या नहीं, सबसे पहले आप जनता को ये खुलासा करें, ये जनता को बताएं। धन्यवाद। देखो भाइयों, ये दो लोग आपको इसमें वीडियो में दिख रहे हैं, उंगली दिखा, ये आपको मालूम है, एक ये और एक ये दोनों कौन लोग हैं? अभी सरकार का कोई ऑर्डर नहीं आया, उससे पहले ये लोग घरों में घुस के और NRC के बारे में कागजात और मालूम जमा कर रहे थे। इसलिए आप कोल्हापुर के सभी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को, हमारा ये उनकी तरफ से ये तुम्हें जाहिर किया जाता है कि ऐसा कोई भी अभी काम सरकारी तौर पर शुरू नहीं हुआ है। ये ऐसे लोग गुप्त तौर पर आते हैं घरों में भी औरतों को बोलकर रखें और मर्द भी चौकन्ना रहें, किसी किस्म की माहिती, नाम तक भी अपना बताने की जरूरत अभी नहीं है। और अभी प्रोटेस्ट पूरे भारत में चल रहा है NRC CA और NPR के बारे में। जब तक हमारे जमात की तरफ से कोई घोषित ये नहीं हो जाता है कि NPR के बारे में कुछ मालूम दें। हाँ, और आज तारीख कितनी है? 15। आज 15/2/2020 ये आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों से चौकन्ना रहें, हरगिज ऐसे आदमी को घर में भी घुसने मत दें और किसी भी किस्म की मालूमात मत दें। अगर घुसे तो ऐसे लोग नहीं नहीं संपर्क संपर्क का साथ नहीं बोलो संपर्क साधने का कोई भी लोग उसमें ऐसे आइडेंटिटी बताएंगे आइडेंटिटी देखो। हाँ, और ये देखो, ये ऐसे आइडेंटिटी इनके फर्जी हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अलाउ नहीं हुआ है। प्राइवेट कंपनी, हाँ, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं और कंपनी के नाम पे ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। तो अभी हमको गुमराह नहीं होना है, हमेशा चौकन्ना रहना है और पूरी जिंदगी चौकन्ना होकर गुजारना है। कलेक्टर के ऑफिस से आए करके बोलते हैं और बोलो आए ज्यादा कुछ करेंगे, कलेक्टर काम कर रहे हैं, भी लेकर मार देंगे। और क्या है,
झूठा आइडेंटिटी दिखा करके और ये बोलते हैं कि कलेक्टर की तरफ से हम काम कर रहे हैं और डायरेक्ट घरों में घुस रहे हैं औरतें डायरेक्ट घरों में घुस रहे हैं औरतों से मालूम लेने के लिए। आप सभी हजरात इससे होशियार रहें। ऑफिस में